आज के शुरू में गाइस जब हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में, एंड गाइस यहां पे अगर आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है तो उसको आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसके अलावा अपने गेम प्ले को कैसे सेव कर सकते हो, कैसे डिलीट करना है, सारे चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। बोले तो इस वीडियो में फ्री फायर का जो रिकॉर्डिंग फीचर है उसके बारे में आप लोग पूरी जानकारी जानने वाले हो। तो जल्दी से गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से करते हैं वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके आइए देखते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है रीप्ले। अब देखो इस सेटिंग को आप लोग ऑन करोगे तभी जो है आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे गाइस देखो इस वाली सेटिंग को आप लोग जाओगे प्रोफाइल पे, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस आप में से कुछ लोगों का क्या होगा कि जब आप लोग ऑन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका ऑन नहीं हो रहा होगा, आपको लिखा रहा होगा नॉट सपोर्टेड ऐसे ही कुछ। तो गाइस देखो मैं आपको बोल दूँ इस वाली सेटिंग को ऑन करने के लिए आपके फ़ोन में जो है स्टोरेज होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो अगर आपका ऑन नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आपका फ़ोन के अंदर जो होता है माई फाइल या फिर मैनेजर जो भी होता है उस पर क्लिक करो, उस पर जाओ उस ऐप के अंदर, और आप लोग जो भी फालतू वीडियो वगैरह आपके फ़ोन में है उसको डिलीट करो, मतलब कि अपनी मेमोरी को अपने स्टोरेज को थोड़ा बहुत खाली करो तो आपका जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है जिनका मतलब कि लो डिवाइस का फ़ोन है उन्हीं को दिखने को मिलता है। अब किस यहाँ पे देखो जब आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर लोगे इसके बाद फिर आप लोग कोई सा भी गेम खेलोगे, क्लासिक, रैंक, सीएस, कस्टम, लोन और कुछ भी खेलोगे तो वो जो है अपने आप रिकॉर्ड होता रहेगा। यहाँ पे गाइस आप लोग ट्रेनिंग या फिर क्राफ्टलैंड का कोई मोड खेलते हो तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होता है, इसके अलावा बाकी के सारे मोड आप लोग खेलोगे तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देखो जब आपका गेम खत्म होगा आप लोग बाहर निकलोगे तब यहाँ पे देखो आपको जो है सेव करने का एक ऑप्शन आएगा, मतलब कि किसी गेम में आपने अच्छे खासे किल किए हैं एंड आप चाहते हो कि ये गेम आपका सेव हो जाए ताकि आप लोग उसको बाद में अच्छे से रिकॉर्डिंग वगैरह कर सको तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे क्लिक करना भूल जाते हो, आप लोग गलती से सेव नहीं कर पाते हो तो कोई ना, आपको देखो आना है प्रोफाइल पे, फिर से रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, एंड गाइस यहाँ पे देखो रिसेंट में आपने जितने भी गेम खेले हैं वो सारा गाइस यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो चुका है एंड वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर में तीन ऑप्शन है, ये है ऑल का, दूसरा है यहाँ पे सेव्ड का, मतलब कि ये जो है वो सारा गेम है जिसको मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। ठीक है, अब नॉट सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो सारे गेम है जिसको मैंने सेव पे क्लिक नहीं किया है लेकिन अब मैं चाहूँ तो इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें देखो मैंने 11 किल किया है बट मैं सेव करना भूल गया था तो अब सिंपली यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है सेव हो चुका है एंड देख सकते हो सेव्ड वाले में ये आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा किस यहाँ पे अगर किसी गेम को आप लोग सेव करना नहीं चाहते हो तो देखो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है जिस पे क्लिक करके आप लोग जो है अपने उस वाली गेम प्ले को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस वाले गेम में मैं एकदम नुबड़ा की तरह मर गया भाई, एक किल ही किया तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं है। और मैं आपको बोलूंगा जो गेम प्ले मतलब कि जो आपके कोई काम का नहीं है तो उसको जरूर से यहाँ पे डिलीट कर देना, इससे क्या होगा कि जो आपका स्टोरेज है वो फुल नहीं होगा जिससे आपका जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, ओके। अब गाइस यहाँ पे देखो जितने भी फालतू के रिकॉर्डिंग थे उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब गाइस यहाँ पे हम लोग आते हैं सेव्ड पे, और गाइस एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे जिस भी गेम प्ले को मैंने सेव किया है वो सिर्फ अभी जो है गेम पे सेव हुआ, ऐसा नहीं है कि ये पूरा गेम प्ले आपकी गैलरी पे सेव हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी आपको जो है डिलीट करने का ऑप्शन मिल रहा, आप चाहो तो जो चीज़ आपने सेव कर लिया है उसको भी डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखो कुछ आइकन बने रहते हैं, जैसे ये मेरा कस्टम का गेम प्ले है तो इसमें क्या है कि इस वाली आइकन का मतलब है कि इसके अंदर मैंने हेडशॉट किल भी किया है, इसके अलावा इसमें मैंने ट्रिपल किल भी किया है, डबल किल भी किया है। ठीक है, अब देखो लास्ट में ये वाला जो आइकन है इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो जो पूरा गेम प्ले है वो आपका यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे बोलना नहीं पता, बताना बताना। यहाँ पे देखो करना क्या है, सिंपल सा आपको जो है अपना स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि बाय डिफॉल्ट सबके फोन में होता ही है, नहीं तो फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और सिंपल सा उसको ऑन करके आपको जो है अपना गेम को रिकॉर्ड कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले गाइस बीच में ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो मतलब कि ये जो गेम प्ले है जो वीडियो है वो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि वो सीधा आपको जो है आगे की ओर भगा देगा, फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देखो मैं आपको बोल दूं कि ये जो है पूरे गेम को रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब कि पूरा गेम यहाँ पे दिखाएगा, मेरा पूरा कस्टम दिखाएगा, जहाँ जहाँ पे मैं मरा हूँ या फिर मारा हूँ, कुछ भी कैंप वगैरह जो भी किया हूँ सब
सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। और कैसे यहाँ पे देखो एक लाइन है नीचे के सेट पे, यहाँ पे कैसे ये जो बुलेट वाला आइकन बना हुआ है फायरिंग वाला, इसका मतलब ये है कि यहाँ यहाँ पे जो है मैंने क्लिक किया है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे देखो आपको इस साइड पे नीचे में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है हाईलाइट का, इस पर क्लिक करने से क्या हुआ कि ये जो है पूरे गेम प्ले आपका जो पूरा गेम प्ले है उसका हाईलाइट बना के दे देगा, मतलब कि जहाँ जहाँ पे आप लोग क्लिक किए हो सिर्फ वही वाला सीन जो है ये आपको दिखाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ सीधा सीधी कैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ सिर्फ वही वाला सीन दिखा रहा, बाकी का सीन को ये जो है ऑटोमेटिक से कट कर देता है। तो किस यहाँ पे ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो अपना गेम प्ले का सिर्फ रिप्ले जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आप लोग अपने गेम प्ले का मॉन्टेज यूट्यूब पे या फिर रील्स वगैरह बनाते हो तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर सिंपली यहाँ पे रिप्ले पे क्लिक करो और आप लोग जो है अपने पूरे गेम प्ले को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, इससे क्या आएगा कि आपका जो वीडियो है ये वाला जो गेम प्ले है वो 2x स्पीड में चलेगा, मतलब कि फास्ट चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे 4x का भी ऑप्शन है एंड 8x का भी है, देख सकते हो भाई कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कैसे यहाँ पे देखो आपको एक साइड यहाँ पे इस साइड पे लास्ट में ये वाला ऑप्शन मिलता है आँख वाला, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि अब जो है आपका गेम प्ले जो है वो ऊपर के साइड से मतलब कि ड्रोन व्यू में दिखाएगा, तो आप लोग इस तरीके से भी अपना जो गेम प्ले है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना ये वाला जो व्यू होता है ये दिखने में तो काफ़ी सही लगता है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या है कि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर से दिखाता है, अगर इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का ऑप्शन होता तो मेरे ख्याल से और भी सही होता, बट ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद कैसे यहाँ पे देखो आप लोगों को इस साइड पे एक ये वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो फिर से स्टार्टिंग से चलना शुरू हो जाएगा, तो कहीं पे आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि फिर से स्टार्ट करना है तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो बीच में ये वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि आप लोग जो है इससे बाहर आ जाओगे, बाहर निकल जाओगे, ठीक है। जब आपका रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो सिंपली उस पर क्लिक करके बाहर आ सकते हो। तो कैसे ये थे वो सारे फंडे रिकॉर्डिंग के जो कि मैंने आपको बता दिया अच्छे से, एक एक चीज़ के बारे में आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद कैसे यहाँ पे देखो दूसरा जो सेटिंग है लोबी का, जब आप लोग इसको ऑन करोगे तो आपके स्क्रीन पे जो है कुछ इस टाइप का ये वाला आइकन बन जाएगा, एंड कैसे आप चाहो तो इस वाली सेटिंग को आप लोग यहाँ पे जाओगे रिकॉर्डिंग पे एंड माई वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप लोग ऑन कर सकते हो। अब कैसे देखो इससे क्या होगा कि आप लोग जो है अपने लोबी को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था रीप्ले, उससे क्या था कि हम लोग अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इस आइकन पे क्लिक करोगे, बीच वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा, सिंपल इस पर क्लिक करना है। एंड गैस अब यहाँ पे लोबी पे मैं कुछ भी करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं इमोट दिखाता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ तो सारा चीज़ गैस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे सिंपल सा फिर से आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे तो ये जो है यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। एंड आपको जाना है माई वीडियोस पे, तो यहाँ पे देखो आपको जो है वो वाला वीडियो देखने को मिल रहा है जो कि गैस यहाँ पे मैंने अभी रिकॉर्ड किया था। बट गैस ये वाला जो सेटिंग है ना ये मेरे को उतना ओपी नहीं लगता है, क्योंकि यार देखो मेरे ख्याल से इसका जो है कोई काम नहीं है। हम चाहे तो अपनी लोबी को जो नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर होता है उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। गेम प्ले रिकॉर्ड करने टाइम थोड़ा सा बोले तो लैग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसलिए गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए जो रिप्ले वाला ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से सही है, लेकिन यार लोबी के लिए तो अपना नॉर्मल रिकॉर्डिंग ही सही है, ठीक है। यही नहीं अभी और सुनिए। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है रिकॉर्ड साउंड का। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि जो भी साउंड होता है मतलब कि गेम के अंदर जो साउंड होता है गोली चलाने का या फिर दौड़ने वड़ने का, ये सब साउंड भी जो है रिकॉर्ड होता है आपके गेम प्ले का जो रिप्ले वाला रिकॉर्डिंग होता है उसमें, ठीक है। लेकिन कैसे यहाँ पे गेम खेलते टाइम आप लोग जो बोलते हो अपने माइक से या फिर आपका टीममेट कुछ बोलता है तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ गेम का जो इंटरनल साउंड होता है वो चीज़ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है, काफ़ी सही है। इसके अलावा लास्ट वाला ऑप्शन है ग्राफिक क्वालिटी का। अब इससे गैस आप लोग ये सेट कर सकते हो कि जो आपका रिकॉर्डिंग है वो कितने क्वालिटी पे सेव करना चाहते हो। लो पे क्लिक करोगे तो एकदम नोवा टाइप का होगा, मीडियम पे क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत ठीक होगा, बट मैं आपको बोलूंगा इसको हाई पे करना है, इससे क्या होगा कि आपका जो गेम प्ले है वो पूरा एकदम HD में अच्छे से क्लियर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ओके, तो किस यहाँ पे रिकॉर्डिंग के सारे सेटिंग के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके अलावा किस आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे सेव करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। एंड कैसे देखो लास्ट में ये वाला ऑप्शन है माई वीडियो का, इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग सिंपल सा यहाँ पे आ जाओगे जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो अपडेट के बाद कुछ न्यू सेटिंग भी आए हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो लेफ्ट साइड पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड कैसे नेक्स्ट जो है आपको कौन सी सेटिंग के बारे में जानना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो कैसे मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय, टेक केयर।